और यहाँ पे हम इसलिए आए हुए हैं क्योंकि मेरी दीदी लोगों का नए घर में गृह भाभी ये कैसे जम माननी है। अरे सच्ची लीची है वो लगी छोटी छोटी दीदी लग रहा आम हम नहीं पते थे। तो फ्रेंड्स ये मेरी बड़ी दीदी है और विनर किसी को नहीं बनना, विनर तो सिर्फ एक ही होता है वो है अविरल जी। क्या बात क्या बात। अभी हम उतरने वाले हैं यहाँ पे। अच्छी लगे हमारे ब्लॉग हम राई वाला। और फ्रेंड्स कल तो हम आके सीधा सो जा रहे हैं उत्तराखंड। तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर विनी। कैसे हो आप लोग, होप करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं उत्तराखंड। तो अभी हम उत्तराखंड क्यों जा रहे हैं ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग में बताऊँगी। तो अभी हमारी शाम रात की ट्रेन है तो हम खाना खा के ही जाएंगे। तो पहले हम बना देंगे खाना, डिनर बनाएंगे और डिनर घर से ही करेंगे। और अविरल भी बताएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। अविरल हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम 2-3 दिन के लिए उत्तराखंड जा रहे हैं। तो हम अब आगे के ब्लॉग 2-3 ब्लॉग आप लोगों को उत्तराखंड के देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स हम उत्तराखंड क्यों जा रहे हैं ये भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। और आपको आने वाले ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं और आज का ब्लॉग भी बहुत मज़ेदार होने। और अभी मैंने पैकिंग वगैरह कर ली है और थोड़ा बहुत बची हुई है तो थोड़ा बहुत तब करते हैं हम पैकिंग। तो सबसे पहले खाना बना ले अभी रंग। तो फ्रेंड्स आज मैं बना रही हूँ बनाना चिप्स जो कि है कि अविरल की डिमांड पे। तो अविरल ने बोला है कि मेरे लिए बनाना चिप्स बना दो मम्मा। तो मैंने अभी बनाना को छील लिया है अच्छे से और मैं इनको पहले वॉश कर लूँगी और फिर देखते हैं क्या क्या करती हूँ मैं आगे। क्या होता है फेवरेट? मेरा बनाना चिप्स। क्या होता है? अच्छा तो हेल्दी होता है वो? हेल्दी तो होता है लेकिन उससे ताकत मिलता है। अच्छा। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बनाना को छिल के धुल के साफ कर लिया है और फिर मैं इसको कद्दूकस में इसमें जो चिप्स वाला सेक्शन है उसमें ही कद्दूकस करके चिप्स निकाल रही हूँ। इसी में अच्छे से चिप्स बन जा रहे हैं, नहीं तो चाकू से थोड़ा मोटे मोटे करते हैं और थोड़े बारीक करने में मेहनत लग जाती है तो इससे फटाफट से हो जा रहा है। और ये सारे बनाना के चिप्स बन के हो गए हैं रेडी। और अभी मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ तेल, फिर जैसे ही तेल गरम होगा वैसे ही मैं इनको एक एक करके डालूंगी। मैंने इनमें हल्का सा नमक पहले ही ऐड कर लिया है क्योंकि बाद में फिर थोड़ा किस कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता है तो मैंने पहले ही हल्का हल्का नमक ऐड कर लिया है सब में। और मैं एक एक करके फिर इसमें डालती हूँ और इसको अच्छे से हिला ला के क्रिस्पी बना लेती हूँ। चिप्स बन के हो गए हैं रेडी और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितने सारे चिप्स मैंने बनाए हैं बनाना चिप्स। तो ये बनाए हैं मैंने सफ़र के लिए और इनको हम खाएंगे ट्रेन पे। देख सकते हो कितनी क्रिस्पी क्रिस्पी और कितनी जल्दी टूट रहे हैं, देख सकते हो आप कितने क्रिस्पी बने हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। कैसे हो रहे अभी रन? टेस्टी हो रहे हैं। इसके अंदर ले जाएंगे पैक करके इसके। तो फ्रेंड्स खाने में मैं बना रही हूँ आज डिनर में बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते और रोटी। और लौकी के कोफ्ते अविरल को काफ़ी पसंद है और जब देखो मेरे साथ किचन में आ जाता है। यहाँ देखो खीरा वगैरह लेके आ गया है कि मुझे पहले सैलेड खाना है मम्मा। तो फिर अभी काटूँगी सैलेड, पहले मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पे खाना जैसे ही बनता है फिर हम खाना खा के जल्दी जल्दी निकलेंगे क्योंकि आज बाहर काफ़ी तूफान हो रहा है, तूफानी हवाएं चल रही है आज। पता नहीं बारिश तो हो नहीं रही है पर तूफान ही चल रहा है, क्या पता बारिश भी हो जाए। अगर आप लोगों को लौकी
के कोफ्ते की रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से लौकी के कोफ्ते बनाती हूँ घर पे। फ्रेंड्स अभी हो गए हम रेडी और अभी हम निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए, और अविरल भी हो गया है। हाँ क्या मम्मा, आ जाओ, अब रेडी हो गए हो? ओके। तो फ्रेंड्स अभी हम रेडी हो गए हैं और अभी हम निकल रहे हैं रेलवे स्टेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और अभी पहुंच गए हैं हम राई वाला। और फ्रेंड्स कल तो हम आके सीधा सो ही गए थे। अभी ना सो ही गए थे आप सीधे? हाँ, हाँ। ओके, बहुत जल्दी, मम्मा से भी पहले। अच्छा, और पहले ही लेते हैं। और अभी पहुंचने कहाँ पहुंचने वाले हैं? अभी हम कहीं और पहुंचे। अभी टोय वाला पहुंचना है। अभी हम दोहे वाला पहुंचने वाले। और एक बार बाहर का व्यू दिखा देती हूँ, कितने प्यारे रेड रेड से फूल खिले हुए हैं। वो देखो कितने प्यारे फूल। अच्छा लगा हमारे ब्लॉग? अच्छे लगे आपको हमारे ब्लॉग? किसको लगे अच्छे आपके ब्लॉग? हमारे गाइजों को अगर अच्छे लगेगा तो फिर क्या करेंगे? लाइक शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब सब्सक्राइब। अभी हम उतरने वाले हैं यहाँ पे। चलो इधर से ही चलना होगा, इधर से जा रहे तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट में बन गया है हमारे लिए पूरियां, भरी हुई पूरी जो दीदी ने बनाई हुई है, और कितनी प्यारी टोकरी पे रखी हुई है आप लोग देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये मेरी बड़ी दीदी है और सबसे बड़ी हम भाई बहनों में से सबसे बड़ी यही है। शायद आप लोगों ने पहले ब्लॉग में देखा है कि नहीं, पर इस बार मैं बता देती हूँ, इस बार हम इन्हीं के घर पे आए हैं। अरे वाह अविरल, इतने सारे मेडल मिले आपको, वाह, ऊपर करो फेस। क्या और विनर किसी को नहीं बनना, विनर तो सिर्फ एक ही होता है, वो है अविरल, बस और कोई नहीं हो सकता विनर तो। अरे ये महाराज जी, ओ महाराज जी, क्या बात क्या बात महाराज जी, हेलो कर दो, हाई कर दो, श्री ओम हाई कर दो, हाय, वेरी गुड। अब पीहू पहनाएगी अविरल को, वाह, हेलो कर दो पीहू, हेलो, अबे हेलो कर दो, लिटिल बेबी हेलो कर दो, हेलो कर दो भाई ने, कैसे कर? भाभी ये कैसे जम माननी है एंज पोंजोल वाल पहुंच की छंडिया लो डाल छोड़ो। अरे ये तो लीची गुड़ाओ नहीं पन बोले ये भाई पता अरे सच्ची लीची है वाला, ये छोटी छोटी दीदी को आम नहीं लग रहा ये देखिए रे आम कुड़ाऊ हम नहीं पते थे सारे चल चल जाने थोड़ा दे एक दिन भी नहीं याद आओ अब भूल गई मैं यार सारे ने यार तो खाया हो रही पर काम हां खाया हो रहे खाया ना हमारा दीदी पत्ते तो छोड़ हां नहीं टहनी 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 बोल डंठल भाभी लिच्ची उड़ा हुई
फ्रेंड्स अभी तोड़ रही है भाभी आम की पत्तियां कल पूजा के लिए, और अभी हम आम की पत्तियों की माला बनाएंगे। साहु जी जब आम पगला तब दोबारा आने एक महीना खातिर एक हो जाए इतना पत्ता ये ज्यादा पत्ता तो बेड़ की रंग की तो छेड़ सना से तोल दस मिनट रहने तो दे पत्ता खोल जे ना माल बनो नहीं बेड़ नहीं गाने ना बेड़ आमर पत्ता पीपल का पत्ता और माल नहीं बनो ना अब पीपल का पत्ता का खाना है वक्त कर जनियो हो नहीं हो जनियो संस्कार हो कुड़ा को ये का पत्ता मकान का जनियो संस्कार होता है कैसे उसमें क्या करते हैं उसमें पीपल के पत्ते और आम के पत्तों की माला बनाई जाती है और पूरे मकान पे लगाई जाती है। अच्छा तो फ्रेंड्स उत्तराखंड में किस तरीके से गृह प्रवेश होता है ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को अपने ब्लॉग में बताएंगे कल के ब्लॉग में। और यहाँ पे हम इसलिए आए हुए हैं क्योंकि मेरी दीदी लोगों का नए घर में गृह प्रवेश है, तो इसलिए हम उत्तराखंड आए हैं। कल हम निकले थे और आज सुबह ही यहाँ पे पहुँचे हैं। तब तो सीधी बकरी क्या एक वीडियो बना दी दीदी आज भी अब एक ही मास है तब तो चिंता। फ्रेंड्स ये सास दीदी की सासू जी है यार कोट बेटी तब क्यों है मैं फोटो काढ़ा दूँ बोली मैं फोटो काढ़ी लेकिन बच्चे और बात बस मासल काढ़ी कर देते सीधे तबर तो क्या तू देखा रहा मैं कुनी सांप देखा रहा नहीं गोरू मैं कहना चाहूँ दूध आने को चाप रहे हैं दूध नॉलेज लगाए माखन नान भी नहीं दूध आने नहीं हाँ